शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव में भाजपा डबल डिजिट तक नहीं ला पाई, जबकि कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि शिमला में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रही हैं, लेकिन इस बार विधायक हरीश जनारथ को जीत के साथ कांग्रेस ने लगभग 15 साल बाद वापसी की ओर और नगर निगम शिमला में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक में नहीं आ पाई। जहां तक शिमला शहर की बात आती है, अधिकतर यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और इस मर्तबा यहां से हमारे हरी जनाटा जी 15 वर्षों के बाद यहां के विधायक के चुनाव के दौरान सफल हुए थे। कॉरपोरेशन भी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का ना मेयर था ना डिप्टी मेयर था, तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि पिछले कई दशकों का जो एक इतिहास इस चुनाव के माध्यम से बना है, यहाँ पर बात आई हमारे प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी की। उन्होंने जहाँ मैं समझता हूँ सहर्ष जो जनता जनार्दन का निर्णय होता है, जनादेश होता है, वह स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक जीतना बोलकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो ये हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे। हालांकि जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे उस वक्त की बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी कि हम 25 साल के लिए आगे हैं, 40 साल के लिए आगे हैं, अंत में तो उत्साह इतना बढ़ गया था कि हम तो 50 साल के लिए हमारी सरकार सत्ता में आ चुकी है, लेकिन किस तरह से मिशन रिपीट डिफीट में तब्दील हुआ वो आपके सामने है। ये अवश्य हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक जीत तो थी लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक मैं समझता हूँ वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं, वो उसको पचा नहीं पा रहे कि किस तरह से, हालांकि इन्होंने मोदी जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर जी जो इनके राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नेता है, केंद्र के मंत्री है, उन तक को यहाँ पर मैं समझता हूँ चुनाव अभियान में